Hello and welcome. Today we'll discuss another principle of social engineering, that is reciprocity. Reciprocity का हिंदी मीनिंग होता है पारस्परिक या आपसी. Reciprocity idea का benefit उठाते हुए cyber criminals target को या लोगों को manipulate करते हुए उनसे कुछ actions perform करते हैं और उनकी confidential information को retrieve कर लेते हैं. Reciprocity के पीछे जो logic है वो ये है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, यदि किसी इंसान ने या किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने, ग्रुप ऑफ पीपल ने किसी के लिए भी कोई छोटा सा भी फेवर किया होता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन रिस्पॉन्स ऑफ फेवर यूजर टारगेट विक्टिम्स रेसिप्रोकेट करते हैं, वो भी अपनी कुछ इंफॉर्मेशन उन्हें देना चाहते हैं या दे देते हैं. इसी कॉन्सेप्ट का बेनिफिट लेते हुए साइबर क्रिमिनल्स यूजर को टारगेट करते हैं और टारगेट करते हुए उन्हें किसी एक माध्यम से, जैसे कि ईमेल के माध्यम से या मैसेजेस के माध्यम से, कुछ फेवर देते हैं. ये फेवर किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो उन्होंने कोई डिस्काउंट कोड उनके साथ में शेयर किया हो या कुछ और ऐसी चीज़ें दी हुई हो जिसे उन्होंने मोनेटाइज कराया हो, और यूज़र को वो ये फील करा देते हैं कि उन्होंने जो भी चीज़ डिस्काउंट कोड के फॉर्म में दी हो या किसी और माध्यम से दी हो, उससे कुछ वैल्यू उनको दी है. इसके बदले में इसका जो एक रेसिप्रोकल इफेक्ट होता है, उससे टारगेट या विक्टिम जब भी उस सोर्स से जहाँ से उन्हें वो डिस्काउंट मिला हो या किसी तरह का कूपन मिला हो, उसको जो भी उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि उन्हें एक फेवर मिला था जिसके बदले में उन्होंने कुछ काम करके दिया, और नोइंगली अनोइंगली वो अपने सीक्रेट क्रेडेंशियल शेयर कर देते हैं. कई बार वो कुछ पेमेंट रिक्वेस्ट को भी फुलफिल कर देते हैं क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं कि उनको कुछ मिला था और उन्होंने उसके इफेक्ट में जो साइबर क्रिमिनल है उनको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती है. इस रेसिप्रोसिटी आइडिया को यूज करते हुए साइबर क्रिमिनल इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं. इस तरह के अपराधों से, इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बचने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको यदि कहीं से भी कोई कूपन मिला हो जिसको आपने रिइंबर्स भी कराया हो, कोई डिस्काउंट मिला हो जिसको आपने यूज किया भी है, लेकिन आपसे किसी भी तरह की कॉन्फिडेंशियल जानकारी मांगी जा रही है या फिर कोई पेमेंट मांगा जा रहा है, उस केस में आपको लेजिटिमेट सोर्स को क्रॉस वेरीफाई करना बहुत आवश्यक हो जाता है. और इस तरह के बचाव के, इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग अटैक के बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सोर्स को वेरीफाई कराने के साथ साथ में ही आप विजिलेंट रहें और अवेयर भी रहें. And awareness comes from knowledge. तो आपको हमेशा vigilant रहना है, cautious रहना है, multi-factor authentication का use करना है. जो cyber criminal है उनकी इस तरह की tactics के बारे में, इस तरह की जो भी scare tactic वो लगाते हैं, या phishing, basically इस तरह के attacks को हम phishing attacks कहते हैं, तो इन सभी की जानकारी होना बहुत जरूरी है. Once again, आपको हमेशा एक हेल्दी सेंस ऑफ स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए और लेजिटिमेट सोर्स को क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए. ये बहुत ही जरूरी है इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बचाव के लिए. सो स्टे सेफ एंड स्टे विजिलेंट. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.